Hello students, today we discuss a new topic facilitating arts learning which means सीखने के रूप में सुविधा। इसके बारे में हम लोग को डिटेल चर्चा करेंगे। पहला द कॉन्सेप्ट, पहले जानना चाहेंगे फैसिलिटेटिंग क्या होता है। व्हाट इज फैसिलिटेटिंग आज लर्निंग? फैसिलिटेटेड लर्निंग इज वेयर द स्टूडेंट्स आर एनकरेज्ड टू टेक मोर कंट्रोल ऑफ देयर लर्निंग प्रोसेस। जैसे कि हम लोग को समझना चाहिए, सुगम शिक्षण वो है जहाँ छात्रों को अपनी सीखने की प्रक्रिया का अधिक नियंत्रण रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। मतलब इतना सुविधा उनको दिया जाता है जो कि अपना सीखने का प्रणाली को या प्रक्रिया को सुगम किया जाए और ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो पाए, उनके लिए सिंपल हो पाए, सरलीकरण हो पाए, जो कि उनको आराम से आसानी से समझ में आए। द ट्रेनर्स रोल बिकम्स दैट ऑफ फैसिलिटेटर एंड ऑर्गेनाइजर प्रोवाइडिंग रिसोर्सेस एंड सपोर्ट टू लर्नर्स। प्रशिक्षक की भूमिका शिक्षार्थियों को संसाधन और सहायता प्रदान करने वाले एक सुविधा और आयोजक के रूप में बनना है। यहाँ पे अगर आपको फैसिलिटेटिंग लर्निंग करना है तो यहाँ पे आज ए फैसिलिटेटर टीचर का रोल यहाँ पे निभाना पड़ता है, जो कि आपको हर तरह का सुविधा मिले उसके लिए आपको हमेशा वो सुविधा प्रदान करने के लिए तत्पर रहते हैं। हम आज इसके इस कॉन्सेप्ट इसी फैसिलिटेटिंग के ऊपर में, जो सुविधाजनक शिक्षा के ऊपर में डिटेल से चर्चा करते हैं। फर्स्ट, देयर आर काउंटलेस वेज फॉर एन इंस्ट्रक्टर टू फैसिलिटेट लर्निंग अमंग देयर स्टूडेंट्स इवन इन ए वर्चुअल क्लासरूम एनवायरमेंट, बट द टर्म फैसिलिटेटेड लर्निंग हैज टेकन ऑन ए फिलोसफी ऑल इट्स ओन। जिसका अर्थ होता है, एक प्रशिक्षक के लिए अपने छात्रों के बीच सीखने की सुविधा के लिए अनगिनत तरीके हैं। मतलब एक छात्र के पास बहुत सारा तरीका होता है छात्रों को समझाने के लिए, उनको आइडिया देने के लिए और ज्ञान प्रदान के लिए, कैसे आसानी से उन लोगों के पास ये ज्ञान पहुंच जाए, उनके पास वो समझने में तरीका कैसे आसानी हो पाए, इसके लिए टीचर के पास बहुत सारा तरीका होता है या माध्यम होता है। यहाँ तक कि आभासी कक्षा की माहौल भी है, लेकिन सुगम शिक्षा शब्द ने एक दर्शन को आज के संदर्भ में अपना माना गया है या अपना लिया गया है। मतलब आज फैसिलिटेटेड लर्निंग को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है, जिसको बोलते हैं आभासी कक्षा बोलते हैं, जहाँ पे आपको हर तरह का कंफर्टेबल जोन मिलता है। वहाँ पे आपको लाइटिंग सुविधा होता है, वहाँ पे प्रोजेक्टर रहता है, वहाँ पे कंप्यूटर रहता है, वहाँ ब्लैक बोर्ड रहता है, हर तरह का चीज़ आपको वहाँ पे मिल जाता है क्लासरूम में स्टूडेंट का सुविधा के लिए। देन फैसिलिटेटेड स्टूडेंट लर्निंग इज नॉट ओनली अ सेट ऑफ टूल्स एंड स्ट्रैटेजीज, इट इज ऑल्सो ए वे दैट टीचर्स आर एनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू लर्न एंड ऑब्जर्व इन्फॉर्मेशन इन ए वे दैट इज मीनिंगफुल एंड रिलेवेंट टू देम। सुविधा प्राप्त छात्र सीखना ना केवल उपकरण और रणनीति का एक सेट है। मतलब ये तो फैसिलिटेटेड लर्निंग एक उपकरण या कोई माध्यम, ये माध्यम में सीमित नहीं है। यह भी एक तरीका है कि शिक्षक छात्रों को इसी तरह से जानकारी सीखने और अवशोषित करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं जो उनके लिए सार्थक और प्रासंगिक है, जो स्टूडेंट के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो स्टूडेंट के लिए ज़्यादा ज़रूरी है और छात्रों को ज़्यादा आसानी से समझ में आए और उसको वो खुद समझने के प्रयास करे और उसके ऊपर वो काम कर सके। ये सारा जरिया या सारा माध्यम टीचर एंड स्टूडेंट के बीच में होता है, जो कि छात्रों को सिखाते हैं, फैसिलिटेटर हिसाब से, और वहाँ पे उनको कोई बाध्यता नहीं होता है, जोर ज़बरदस्ती नहीं होता है, अपना स्व इच्छा से उन लोग को स्पॉन्टेनियसली सीखने के लिए प्रयास करते हैं छात्र। देन फैसिलिटेटेड लर्निंग रिप्लेसेस रोट मेमोराइजेशन विथ क्रिटिकल थिंकिंग, कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग
इमेजिनेटिव लर्निंग एंड द अप्रिसिएशन फॉर सब्टलिटी, यहाँ पे बताया जाता है सीखने की सुविधा की जगह महत्वपूर्ण सोच, यहाँ पे महत्वपूर्ण सोच क्रिटिकल थिंकिंग को इम्पोर्टेंट दिया जाता है। व्यापक समझ मतलब आपका समझने का तरीका कितना एलाबोरेट किया जाएगा, कितना व्यापक किया जाएगा, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको पढ़ाने के दौरान एग्जाम्पल दिया जाता है ऑटोमेटिकल आपका समझने का जो क्षण होता है ज़्यादा व्यापक होता है। इमेजिनेटिव लर्निंग जिसका होता है काल्पनिक या कल्पनाशील शिक्षा और सूक्ष्मता के लिए सराहना के साथ याद को बदल देता है। मतलब जितना आपका शिक्षण का दौरान में होता है आपका इमेजिनेटिव लर्निंग मतलब आप कैसे सोचते हैं, जो आप इमेजिन करते हैं उसको पूरा करने के लिए प्रयास करते हैं थ्रू टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। यहाँ पर आपका क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा दिया जाता है, आपका समझने का प्रक्रिया को व्यापक किया जाता है, आपका काल्पनिकशीलता जो शिक्षा होता है उसको ज़्यादा ज़्यादा तो मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है, और उसके साथ साथ सूक्ष्मता जो शिक्षा होता है जिसमें इम्पोर्टेंट जो चीज़ होता है जितना वैल्यूबल होता है उसको ज़्यादा महत्व दिया जाता है स्टूडेंट का लाइफ में और वो टीचिंग लर्निंग के दौरान में। देन फैसिलिटेटेड लर्निंग इज प्रेडिकेटेड ऑन द आइडिया दैट स्टूडेंट्स विल परफॉर्म बेटर इन अ लर्निंग एनवायरनमेंट व्हेन दे आर एम्पावर्ड टू मेक देयर ओन डिसीजंस, रेस्पेक्टेड एज इंडिविजुअल्स एंड ट्रस्टेड विथ पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी। सुविचारित शिक्षा को इस विचार पर समर्पित किया जाता है कि छात्र सीखने के माहौलों में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। मतलब यहाँ पे बच्चे को प्रेडिक्ट किया जाता है, उनको निर्देशित किया जाता है, उनको एक आइडिया दिया जाता है जिसके चलते वो ज़्यादा कुछ बेटर परफॉर्म कर पाए, उनको एक हिंट्स दिया जाता है। जब उन्हें अपने निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाया जाएगा, व्यक्तियों के रूप में सम्मानित किया जाएगा और व्यक्तिगत जिम्मेदारी के साथ भरोसा किया जाएगा, तब ये उनके लाइफ में ओवरऑल दिखाई पड़ेगा। मतलब यहाँ पे बताया जाता है उनका डिसीज़न को हम लोग को वेलकम करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, वो जो डिसीज़न लेते हैं उनको फोर्सफुली बाध्य नहीं किया जाता है। आप अपने इच्छा से अगर कोई किसी डिसीज़न लिए उसको सम्मान किया जाता है, रेस्पेक्टेड एट इंडिविजुअल्स, एक तो स्टूडेंट आज इंडिविजुअल आज स्टूडेंट के हिसाब से उनको रेस्पेक्ट किया जाता है और सम्मान किया जाता है। जैसे आपका रिजल्ट होता है, रिजल्ट के समय में रिजल्ट मिलता है उसके बदल दिया जाता है, कभी कोई इवेंट में आप अगर कुछ अच्छा करते हैं उनको ओवरऑल क्लासरूम में हो या ओवरऑल इंस्टीट्यूशन में उनको रेस्पेक्ट दिया जाता है, वेलकम किया जाता है, उनको प्राइज दिया जाता है। ऐसे जो ऐसे फैसिलिटेटिंग लर्निंग अगर उनको मोटिवेटेड किया जाता है तो उनके पास जिम्मेदारी लेने के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए जितना तकलीफ हो लेकिन वो उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी उठा के बेटर परफॉर्मेंस करने के लिए तैयार होते हैं। आज ओवरऑल हम लोग इसके कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कशन किए जिसमें सुविधा रूप में सीखना होता है, सीखना बोला गया है, सीखने का समय में सुविधा हो या सीखने का दौरान आपको सुविधा प्राप्त हो उसके बारे में हम लोग को डिस्कशन किए। कल प्रयास करेंगे और कुछ इस टॉपिक के ऊपर में डिस्कशन करने के लिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।